ओके गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज हम लोग हैं एक यूटिलिटी स्केल के सोलर प्लांट में और हमारे साथ है मिस्टर पिंकू हु इज़ द साइट इन चार्ज। तो आज ये हमें बताएंगे कि यूटिलिटी स्केल में जो एलए लगा हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं जस्ट इन केस हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ पंच पॉइंट, कि मतलब हमारे साइट पे एक यूटिलिटी स्केल का लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है। मैं नीचे करके वीडियो दिखा रहा हूँ तो आपको उस एले का टिप दिख रहा है और मैं ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ तो उस एले का फाउंडेशन दिख रहा है। तो उस चीज़ में हम क्या क्या देखते हैं प्लस मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो पहले हम पिंकू जी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे समझेंगे कि मतलब क्या क्या है इस एले में। तो आप प्लीज़ पिंकू जी बताइए कि क्या क्या है इसमें एले में। सर देखिए, ये है हमारा मेन एले का सर्च काउंटर, ठीक है। ये सर्च करता है कि एले का कितने बार बिजली आया है, ये सर्च करता है, ओके, काउंटिंग करता है। और ये है मैंने इसका आउटफिट है सर, ये मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये आइए, इसमें आउट लगा हुआ है। एक एले में दो आउटफिट, ये है हमारा आउटफिट, ओके ओके, ठीक है। इसको आठ चैम्बर बोलते हैं। और ये तीनों सपोर्टिंग के लिए लगा हुआ है स्ट्रे, तीनों okay. स्ट्रे है, ओके okay. और ये सब इंसुलेटर वगैरह लगा हुआ है ये आठ को, ओके okay. प्रोटेक्शन देने के लिए ये सारे ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ओके okay. तो गाइस देखिए, हमारे पीछे जो यूटिलिटी स्केल का लाइटनिंग एरेस्टर लगा हुआ है, ये अपने आप को हिंदी में बोले तो आकाशीय बिजली जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है आसमान से गिरती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो यूजुअली जो एलए लगा होता है किसी भी सोलर प्लांट में, वो आपको जनरली 3600 मीटर का एक डोम बना रहता है, ठीक है। मतलब अगर एक एलए लगा हुआ है तो एक इसका एक सर्कुलर डोम होगा जो हमें एक प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके बाद ही उसके पेरिफेरी के बाद ही कोई एलए लगा होगा, ठीक है। अब इस एलए को मैं अगर आपको दूर से दिखाऊं, तो इस एलए को अगर आप दूर से देखेंगे तो ये एक एलए का आरसीसी फाउंडेशन है जिसमें एक जीआई का पोल लगा हुआ है, ठीक है, जीआई का ये पोल लगा हुआ है। और इस ही फाउंडेशन के बाद आपको दो अर्थिंग पिट दिख रहे हैं, ठीक है। दो अर्थिंग पिट के बाद क्या है कि ये जो जीआई का पोल है हवा से वाइब्रेट होकर गिर ना जाए तो उसको सपोर्टिंग बैंड्स लगे हुए हैं, सपोर्टिंग वायर है, दिस इज़ एन एसएस का वायर जो इंसुलेटेड है, ठीक है, मतलब रबर की एक कवरिंग लगी हुई है। ना भी लगे तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसको विंड की तरफ से जो इंटरफेरेंस वाइब्रेशन आएगा पोल को स्टेबिलिटी देने के लिए। अब इस आप पोल के पास देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक इंसुलेशन सैडल लगा हुआ है, हर जगह यहाँ लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे देखिए इधर लगा है। ये पूरा आपका ESC का जो ऊपर डोम लगा हुआ है, ठीक है, जितना भी आपका GI स्ट्रिप ये आ रही है ना, ये देखिए GI स्ट्रिप जो आ रही है, अर्थ फ्लैट आपका आ रहा है ये चीज़, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो भी आ रहा है इसमें आपका ये इंसुलेटर सैडल लगा हुआ है जस्ट इन केस मतलब ये जो इंसुलेटर है ये इसके कॉन्टैक्ट में ना आ जाए GI पाइप के, उसी के लिए। ये GI फ्लैट जो है ये कनेक्टेड है आपका ESC जो डोम लगा हुआ है, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन है, ठीक है, इसको एक्टिव LA भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से आयोनाइज हो जाता है, मतलब चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हालांकि अब ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से आउटडेटेड भी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी ये यूज़ में है। तो डोम से डायरेक्टली अर्थ स्ट्रिप कनेक्टेड है और सैडल के थ्रू हम उसको प्रॉपरली नीचे ले आए हैं ताकि जो हमारी GI फ्लैट है वो आपके GI पाइप के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो ऐसा करके जो भी GI फ्लैट है फिर देखिए अंडरग्राउंड कर दिए और अर्थ पिट के अंदर हम ले गए। तो दोनों जो हमारा अर्थिंग पिट है उसका हमको देखिए एक टेस्टिंग भी हुई है। ये हमारा अर्थ पिट 1 है जिसका जो अर्थ पिट रेजिस्टेंस है 0.8 ओम है, ठीक है, और जो डेट चेक की गई है वो 11/1/2021 को इसका अर्थिंग पिट रेजिस्टेंस लिया गया है। इसी के तरीके से गाइस हमारा जो दूसरा अर्थिंग पिट है उसका आप वैल्यू देखेंगे तो 0.9 ओम अर्थ पिट का रेजिस्टेंस लिया गया है और इसका जो डेट ऑफ अर्थ पिट रेजिस्टेंस टेस्ट है वो 11/1/2021 है। एक बार इसको खोलेगा, खोले तो देखिए गाइस अर्थिंग पिट हम आपको खोल के भी दिखा रहे हैं, अर्थ पिट का हम चेंबर आपको खोल के भी दिखा रहे हैं। तो ये केमिकल अर्थिंग गाइस यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो जो अर्थिंग फ्लैट स्ट्रिप वहाँ एलए से उतर रही है वो आई अर्थिंग पिट के अंदर आई है। ये आपका कॉपर का रॉड है, केमिकल अर्थिंग की गई है तो ऑब्वियसली 3 मीटर से ज़्यादा अंदर गया होगा और इसको रिवाइव करने के लिए हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नॉर्मल आप चारकोल और रॉक सॉल्ट की अर्थिंग करते हो तो उसमें हमें करना पड़ेगा। इसमें ये सेल्फ सफिशिएंट रहता है, हो सकता है एनुअली हमें कुछ करना पड़े लेकिन मोस्टली केमिकल अर्थिंग इज मोर कन्वीनियंट एंड सक्सेसफुल एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रॉक सॉल्ट और चारकोल अर्थिंग। ये गाइस थी हमारी यूटिलिटी स्केल की एलए अर्थिंग। तो
इस जो वीडियो में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पिंकू जी को, जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस वीडियो में इस एले को दिखाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच पिंकू जी। तो ये थी गाइस एले, जो यूटिलिटी स्केल में लगा रहता है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे। तो यूटिलिटी स्केल में जो भी हैवी ड्यूटी इंस्टॉलेशन होते रहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड आई विल कैच यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।